तो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? पिछले लेक्चर में देखे थे कि किसी भी इक्वलिटी या इनइक्वलिटी दिया हुआ है जिसमें कि हमका हमारा मॉडुलस इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। मॉडुलस दिया हुआ है, उसमें मॉडुलस का यूज किया गया, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसका हम चार स्टेप्स में बताए थे कि चार स्टेप्स में हमको उसको सॉल्व करना है। तो चारों स्टेप्स क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें क्या था कि जो जो मॉडुलस है उसके अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको क्या करेंगे, सारा को मॉडुलस साइन को उसको जीरो के इक्वल करेंगे एंड सॉल्व द इक्वेशन, जीरो के इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे। और एक्स का जो वैल्यू आएगा, अननोन मान लेते हैं अननोन एक्स है, तो अननोन एक्स का वैल्यू जो आएगा वो सारा वैल्यू को ले लेंगे। और स्टेप टू में क्या करेंगे कि वो सारा वैल्यू को नंबर लाइन पे ले लेंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन पर रखने से क्या होगा, नंबर लाइन डिवाइड हो जाएगा कुछ पार्ट्स में, ठीक। तो स्टेप थ्री में क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में हम लेके नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक। और उसके बाद इस चीज को हम क्वेश्चन से भी देखेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, सारे अलग अलग पार्ट्स का जो सॉल्यूशन रहेगा उसका क्या लेंगे, यूनियन ले लेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना, ये यूनियन ले लेंगे, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड हम इसी कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम क्या कहते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। पिछले लेक्चर में तो एक दो प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चन, ठीक है। आज हम एक नया क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, इस तरह से मान लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये हमारा दिया हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप्स क्या बताए थे, स्टेप्स बताए थे कि मॉड के अंदर जो रहता है उसको पहले जीरो के इक्वल करते थे। मॉड के अंदर ही पूरा क्वांटिटी है, इसको जीरो के इक्वल कर दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ये हमारा फैक्टर आएगा इसका, ठीक है। जीरो के इक्वल कर दिए, अब इसको या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो या एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इक्वल टू प्लस थ्री, तो माइनस टू और प्लस थ्री दो वैल्यू आया, उसको नंबर लाइन पे ले ले रहे हैं। एक्स का जो वैल्यू आया ये हमारा स्टेप टू होगा। तो इस पे क्या किया, ये माइनस हमारा टू हो गया और ये हो गया थ्री, ठीक है, ये आ गया। अब क्या हुआ, ये देखो तो नंबर लाइन, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, तो नंबर लाइन जो हो गया एक दो तीन, तीन पार्ट में बट गया। तो हम क्या किए, तीनों पार्ट्स को इस तरह से लिख दिया वन टू थ्री करके। तो अब तीनों पार्ट में अलग अलग केस करके सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया केस वन, ये हमारा केस टू और ये हमारा केस थ्री, ठीक है। तो केस वन, केस वन सबसे पहले लेते हैं। तो केस वन में हमारा क्या होगा, केस वन में हो जाएगा एक्स जो हमारा लेस देन और इक्वल टू माइनस टू है, ठीक है, तो माइनस टू से छोटा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि एक्स माइनस टू से छोटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस टू से छोटा कोई वैल्यू रखेंगे मॉड के अंदर, देखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, ठीक। तो देखो माइनस टू से छोटा में हमारा क्या है, ये मॉड के अंदर जो है ये हमारा पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि अगर माइनस टू से छोटा मान लो माइनस फाइव, तो माइनस फाइव का स्क्वायर यानी 25 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा 30 माइनस 6 24, तो ये हमारा इधर पॉजिटिव आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा, तो यहाँ पे निगेटिव आ रहा, क्योंकि माइनस टू और जीरो, माइनस टू और थ्री के बीच देखना, तो एक्स इक्वल टू जीरो रख दिए, तो ये निगेटिव आ रहा मॉड के अंदर और इधर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो केस वन में हमारा क्या आएगा, मॉड के अंदर हमारा पॉजिटिव आ रहा, ठीक है। तो पॉजिटिव आ रहा तो सीधा सीधा मॉड हटा देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू, इधर कितना दिया हुआ था, एक्स प्लस टू। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्स इधर आएगा तो माइनस टू एक्स बन जाएगा और माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से फैक्टराइज कर लिए तो एक्स माइनस फोर हो गया इंटू एक्स प्लस टू हो गया इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इक्वल टू फोर, तो एक्स इक्वल टू फोर इस वाले सोल्यूशन में आएगा, माइनस टू या माइनस टू से छोटा है फोर नहीं है, तो ये हमारा कंसिडर नहीं करना, और माइनस टू इक्वल है माइनस टू के, तो ये हमको ले लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट से, ये केस वन से ये लिया जाएगा, ठीक है। अब केस टू देखते हैं। तो केस टू में हमारा क्या है कि एक्स का वैल्यू जो है माइनस टू से थ्री के
बीच है, ठीक है। माइनस टू ले चुके होते हैं, यहाँ नहीं ले रहे हैं, तो माइनस टू से थ्री के बीच है, तो माइनस टू से थ्री के बीच में ये क्या आ रहा है, निगेटिव। तो निगेटिव आता था, मॉड जैसे ही हटाएंगे तो उसमें उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे, मॉड हटा दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस टू। तो यहाँ से क्या आ गया, इसको राइट साइड लेके चले गए, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस सिक्स प्लस टू यानी माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक तो माइनस टू एंड टू आ गया। देखो माइनस टू और थ्री के बीच क्या आ रहा है, माइनस टू यहाँ पे ले चुके थे, तो ये माइनस टू अब नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। अब टू जो है हमारा टू आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू टू यहाँ से इस केस से सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब केस थ्री देखते हैं, तो केस थ्री में हमारा क्या है, केस थ्री में है कि थ्री से इन्फिनिटी, थ्री से बड़ा में यह क्या है, मॉड के अंदर पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव रहने से मॉड को सीधा सीधा हटा देते, वही चीज़ लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद, यहाँ भी यही सेम इक्वेशन आया था, तो यहाँ सॉल्व करने के बाद माइनस टू और फोर आया था, तो यहाँ भी माइनस टू और फोर आएगा, ठीक है। तो माइनस टू नहीं लेना क्योंकि इस रेंज में तो माइनस माइनस टू आएगा नहीं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे थ्री लेना है, तो माइनस टू यहाँ पे आएगा नहीं, तो एक्स इक्वल टू फोर यहाँ से हमारा ले लेना है क्योंकि फोर जो है थ्री से बड़ा है, ठीक है। तो फाइनल अब ये तो हमारा स्टेप थ्री हो गया, स्टेप फोर में हम क्या बोले थे, सारा का यूनियन लेना, ठीक है। तो जो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा फाइनल, वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, एक तो आ गया यहाँ से माइनस टू, माइनस टू हो गया, और यूनियन और ये क्या आ गया हमारा टू, यहाँ से टू आ गया और यूनियन है यहाँ से आ गया फोर। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एक में ही लिख दें, माइनस टू थ्री माइनस टू और टू और फोर, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमारा मॉडुलस अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा इस टाइप से दिया हुआ है, मान लेते हैं क्वेश्चन, मान लेते हैं इस टाइप से दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स माइनस थ्री मॉड एक्स प्लस टू इजिक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, अब इसको हमको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या बताए थे, ये क्वेश्चन हम एक बार पहले भी बना चुके हैं, अभी देखते हैं। तो ये हमारा क्या है कि मॉड ऑफ एक्स है, तो एक्स के अंदर ये तो मॉड के अंदर जो रहता है उसको जीरो लिखते हैं, तो एक्स इक्वल टू जीरो, तो नंबर लाइन पे ले लिए, स्टेप स्टेप वन ये हो गया, स्टेप टू ये हो गया कि जीरो को यहाँ ले लिए, तो ये हो गया हमारा दो पार्ट में बट गया, तो ये केस वन मान लिया, ये केस टू मान लिया, ठीक है। तो केस वन में हमारा क्या हो गया, केस वन में हो गया कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना, जीरो या जीरो से बड़ा लेना। तो ग्रेटर देन जीरो में सिर्फ मॉड वही हो जाता है, एक्स मॉड एक्स का एक्स हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इजक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू आ गया इजक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या आ गया, एक्स इक्वल टू वन और टू, ठीक है। अब जो है केस टू में हमारा क्या होगा, केस टू में आ जाएगा कि एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। तो एक्स लेस देन जीरो में क्या होगा, तो एक्स निगेटिव है, तो मॉड के अंदर निगेटिव आएगा, तो उसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस थ्री, और एक्स के अगर निगेटिव हो तो मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। या प्लस टू इजक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इजक्वल टू जीरो, फैक्टराइज कर दो, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इजक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू माइनस वन और माइनस टू, और माइनस वन और माइनस टू इस रेंज में है इसीलिए इसको ले लेंगे। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो हो गया, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, इसका यूनियन ले लेंगे, यूनियन मतलब इसको भी और इसको भी लेना है, तो क्या हो गया, माइनस वन माइनस टू वन टू, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसको हम मेथड दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, तो इसको मेथड टू लिख दे रहे हैं, जो कि हमारा मेथड टू है। ये मेथड क्या बोलता है, थोड़ा सा मॉडुलस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जो कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में बताए थे, ठीक है। तो उसका क्या करना है कि हम जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर,
ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो उसको मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो हमारा गिवेन एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, हमारा मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स और ये प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स को वाई मान लो, तो वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मान लिए, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई माइनस 1 वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, वाई इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2। अब वाई किसको माने थे, मॉड ऑफ एक्स को, तो यहाँ से क्या आ गया, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 2। तो हमारा क्या हो गया, अब मॉड को खोलेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये कैसे हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में बता चुके थे। ठीक है, तो ये हम क्या किए, एक ही बार में सारा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको दोनों को यूनियन ले लिए तो सॉल्यूशन हो गया, इसीलिए सॉल्यूशन इज एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, 1 माइनस 1 2 और -2 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि हमारा जब भी सॉल्व करेंगे तो अगर प्रॉपर्टीज हमको याद रहेगा तो प्रॉपर्टीज से इजीली सॉल्व होगा, थोड़ा कम टाइम लगेगा और कम कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अगर नहीं देख रहा देखा है तो प्रॉपर्टीज और मॉडुलस को अच्छे से देख लो। ठीक है, ये हाँ हो गया। अब जो है हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमको ध्यान में आएगा कि हमको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन मान लिया, क्वेश्चन कुछ इस तरह से ले लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम जानते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मॉड के अंदर जो रहता है उसको पॉजिटिव, उसको 0 के इक्वल करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो एक से ज़्यादा मॉड है, तो एक से ज़्यादा मॉड है तो मॉड के अंदर जितना भी रहता है सबको ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो एक्स है तो उसको 0 के इक्वल कर दिए, उसके बाद यहाँ पे एक्स माइनस 2 है उसको भी 0 के इक्वल कर दिए, जितना मॉड रहेगा सबको 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस, तो ये हमारा एक्स इक्वल टू 0 यहाँ से आ गया और यहाँ से एक्स इक्वल टू 2 आ गया, तो 0 और 2 आ गया। ठीक है, तो 0 और 2 आ गया, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे लेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, इसको नंबर लाइन पे ले लिए, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, तो ये हमारा नंबर लाइन जो हो गया 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसको केस 1 मान दिया, इसको केस 2 मान लिया और इसको केस 3 मान लिया। ठीक है, तो अब देखो अब अलग अलग केस में सॉल्व करना है। तो केस 1 में हम मान लिए, केस 1 में एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 2 या 2 से बड़ा है, तो 2 या 2 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा एक्स ही खुलेगा माइनस, और ये 2 या 2 से बड़ा होगा जैसे 5 मान लो, तो 5 का वैल्यू अगर रख दिए, 5 माइनस 2 क्या हो गया, 3, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा तो यही उतर जाएगा, ये हमारा एक्स माइनस 2 हो गया इजक्वल टू 2। यहाँ से एक्स माइनस माइनस एक्स, ये क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इजक्वल टू 2, तो एक्स माइनस एक्स इजक्वल टू, ये 2 माइनस 2 इधर आ गया 0। तो अब देखो एक्स माइनस एक्स इजक्वल टू 0, तो ये तो हमेशा आएगा, एक्स का कोई वैल्यू रख दो तो हमारा यहाँ 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ से एक्स का ऑल रियल नंबर आया, लेकिन लेना क्या है, 2 या 2 से बड़ा ही लेना है। ठीक है, तो 2 या 2 से बड़ा लेना है तो क्या करेंगे, इसीलिए इस पार्ट का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा इस पार्ट के लिए सिर्फ। ठीक है, ये आ गया। अब जो हम केस 2 का बात करते हैं, केस 2 में हमारा क्या है कि एक्स का वैल्यू जो होगा 0 और 2 के बीच होगा, तो 0 और 2 के बीच होगा तो मॉड ऑफ एक्स हमारा अभी भी पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो मॉड ऑफ एक्स एक्स हो गया। ठीक है, ये माइनस, और देखो 2 या 2 से छोटा मतलब एक्स का वैल्यू 0 और 2 के बीच, मतलब मान लो 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी मॉड के अंदर निगेटिव, निगेटिव आ रहा तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा माइनस हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, और इक्वल टू 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स ये माइनस माइनस प्लस, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2, यहाँ से क्या आ गया, 2x इक्वल टू 4x इक्वल टू 2। अब देखो x इक्वल टू 2 यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो ये इसको हमको नहीं लेना है, अब इसे भी x इक्वल टू 2 इसमें कंसिडर हो चुका है। ठीक है, अब केस 3 मान लिए, केस 3 में क्या है कि x लेस देन और इक्वल टू 0, अब 0 या 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा होगा तो मॉड ऑफ एक्स क्या खुलता है, माइनस एक्स। ठीक है, अब माइनस, और ये 0 से छोटा में तो निगेटिव ही आएगा, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2,
यहाँ क्या हुआ, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस एक्स माइनस टू इजक्वल टू टू, ठीक है। तो ये हमारा माइनस टू इजक्वल टू टू होगा, नहीं होगा, या फिर ऐसे मानो तो ये हमारा एक्स था और ये हमारा माइनस एक्स, तो एक्स माइनस एक्स इजक्वल टू टू, और उधर जाएगा टू प्लस टू फोर, तो एक्स माइनस एक्स इक्वल टू फोर, कोई भी एक्स का वैल्यू ऐसा है सेटिस्फाइड करेगा, नहीं करेगा, तो ये हमारा कट कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू फाइव आ गया, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आया। तो फाइनल जो होगा, फाइनल होगा इसका सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, ऑफ दिस इक्वेशन इज, यहाँ से तो कोई कुछ आया नहीं था, यहाँ भी एक्स बिलोंग्स टू फाइव आया था, यहाँ से भी कुछ नहीं आया था, तो जो हमारा ये होगा आंसर वही हमारा आंसर होगा फाइनल। तो हमारा एक्स बिलोंग्स टू टू से इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर हो गया, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स मतलब जो हमारा अननोन का वैल्यू आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, उसके बारे में बताना है। जैसे फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब सारा एक्स का जो वैल्यू आएगा उस सबका प्रोडक्ट करके वैल्यू बताना, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताना। दूसरा क्या करा, वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है वो सब हमारा इसमें वैल्यू आ जाएगा। तीसरा कह रहा, फाइंड द एक्स वेयर एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो जो हमारा रूट्स आएगा उसमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है। तो फोर्थ में हमारा कह रहा फाइंड द एक्स वेयर एक्स इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब एक्स जो है हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले सबसे पहले सॉल्व करके एक्स एक्स हम निकाल लेते हैं, जो रूट्स है हमारा इक्वेशन का वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो। देखिए अब इसको सिंपल मेथड से तो बना ही सकते हैं, जो हमारा फोर स्टेप्स बताया गया उससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम एक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस का यूज करेंगे, ताकि हमारा अलग अलग केस में सॉल्व ना करे परे करना पड़े, एक ही बार हमारा सॉल्व हो जाए। चूंकि हम मॉडुलस में पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसी भी संख्या का मॉड उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर हो दोनों सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे थे कि मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर हो उसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है इसीलिए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर सिंपली लिख देते हैं, तो ये हमारा इक्वल हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्स माइनस टू को का स्क्वायर जो है उसको मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का स्क्वायर लिख दिए, ठीक, और माइनस थ्री मॉड ऑफ एक्स माइनस टू हो गया और प्लस टू इक्वल टू जीरो हो गया। तो अब क्या किए, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू को वाई मान लिए, लेट वाई को हम मान लिए वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, ये इक्वेशन क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू टू। तो y हमारा क्या था, मॉड ऑफ x माइनस टू, मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू वन एंड मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू टू। अब जानते थे मॉड ऑफ x इक्वल टू वन है तो x इक्वल टू प्लस माइनस वन होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू टू इधर आ गया, माइनस टू प्लस टू हो गया प्लस माइनस वन एंड एक्स इक्वल टू टू प्लस माइनस टू, यहाँ से क्या आ गया, एक्स इक्वल टू प्लस लिए तो थ्री आ गया, माइनस लिए तो वन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स इक्वल टू प्लस लिए तो फोर आ गया, माइनस लिए तो जीरो आ गया, तो क्या आ गया, वन थ्री फोर जीरो, ये आ गया। अब देखो तो यहाँ से रूट्स हमारा क्या आ गया, रूट्स आर क्या हो गया, जीरो वन थ्री फोर, ठीक है। अब जो हम अलग अलग पार्ट्स के लिए सॉल्व आंसर निकालते हैं, तो क्या करा, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट मतलब सबको गुना करना है, तो एक्स वन इंटू एक्स टू जो प्रोडक्ट आया उसको गुना कर दिए, ठीक है, तो सबको गुना कर दिए तो जीरो इंटू वन टू तो जीरो आ गया, जीरो आ गया तो सबका गुना जीरो हो गया। अब क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या हो गया, वन थ्री और फोर, ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है, और इसका आंसर जीरो होगा, क्लियर है। ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में क्या करा, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या है, थ्री है, तो एक्स इक्वल टू थ्री जो हो गया ये हमारा इसका आंसर हो गया। और नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब चारों हो गया, ना चारों नॉन निगेटिव इंटीजर है, जीरो भी नॉन निगेटिव, वन भी, थ्री भी और फोर भी, इसीलिए ये हमारा
आंसर हो गया चारों पार्ट का, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को, ये प्रॉपर्टी याद है तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो जनरल मेथड तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, जो हमारा चार स्टेप्स है, चारों स्टेप्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे इसके बेसिस पे, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, ठीक है।